दोस्तों, स्वागत है आपका बॉलीवुड स्टेशन यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, बिग बॉस सीजन 15 के वीकेंड के वार के दौरान हुआ सबसे बड़ा एलिमिनेशन। जी हाँ, घर से बेघर हुई अकासा सिंह। घर से बाहर आने के बाद अकासा सिंह ने दिया मीडिया को एक्सक्लूसिव इंटरव्यू। इंटरव्यू में खोले कई सारे अकासा ने बड़े बड़े राज, बताई है बड़ी बड़ी बातें। क्या बताया अकासा सिंह ने, चलिए हम आपको बताते हैं इस वीडियो में। वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। लेकिन आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए और बेल आइकन को दबाए। दोस्तों, बिग बॉस 15 के घर से बेघर होने के बाद अकासा मीडिया से रूबरू हुई और उसके बाद उन्होंने चौंका देने वाला इंटरव्यू भी दिया। और ऐसे में अकासा ने अपने इंटरव्यू में काफी सारे बातें बताई। जब अकासा को अपने इविक्शन के बारे में पूछा गया तो अकासा ने कहा, मुझे बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी कि मैं शो से इतनी जल्दी इविक्ट हो जाऊंगी। मुझे लगा था कि मेरा शो में सफर लंबा होने वाला है, लेकिन मेकर्स ने मुझे नहीं निकाला, तो इसमें मैं क्या बोलूं। उसके बाद जब अकासा को प्रतीक के रिश्ते के बारे में जब सवाल किया गया और पूछा गया कि आपका और प्रतीक का रिलेशन को लेकर लोग इसको गेम प्ले कह रहे हैं, तो अकासा ने कहा, प्रतीक मेरा कभी भी गेम प्लान नहीं था, वो मेरा बहुत अच्छा दोस्त है। हाँ, वो कभी कभी बातें नहीं मानता है और बच्चों की तरह जिद्दी हो जाता है, तो मैं यही कहूंगी, प्रतीक मेरा हमेशा दोस्त रहने वाला है और वो दिल का बहुत अच्छा नेक इंसान है। अकासा से पूछा गया कि आपके हिसाब से कौन विनर बन सकता है, तो अकासा ने सीधा सीधा तेजस्वी और करण का नाम लिया। अकासा ने कहा, तेजस्वी और करण में विनिंग क्वालिटीज है, पर इन दोनों को काफी ज्यादा कड़ी टक्कर मिलने वाली है। और जब अकासा से पूछा, जब इन दोनों की बातें कर रहे हैं तो इन दोनों के रिलेशनशिप के बारे में बताइए, क्योंकि आपको अक्सर देखा गया है कि आप तेजस्वी और करण को एक करते नजर आए बिग बॉस के घर के अंदर। तो अकासा ने कहा, मैं चाहती थी कि उन दोनों का रिश्ता हो जाए, पर अब मैं घर से बाहर आ गई हूँ। करण तेजस्वी को सच में प्यार करता है और मैंने ये बात तेजस्वी को बता दी है। तेजस्वी भी करण को प्यार करती है पर अपने फीलिंग्स को अभी ओपन नहीं करना चाहती है शायद, पर मुझे यकीन है जब तक शो फिनाले तक पहुंच चुका होगा ये दोनों अपने प्यार को कन्फेस कर चुके होंगे। और अकासा से ये भी पूछा गया कि कुछ लोग तेजरन को फेक कह रहे हैं, तब अकासा ने कहा, जो ऐसा कह रहे हैं वो खुद फेक होंगे, क्योंकि तेजरन बिल्कुल भी फेक नहीं है। तेजस्वी और करण एक दूसरे के साथ हमेशा रहेंगे, चाहे जो भी हो शो का आलम। तो दोस्तों, आपका क्या कहना है इसके बारे में, हमें कमेंट करके जरूर बताइए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।